हे गाइस, आज हमारे घर पे बन रहे हैं दाल बाफले और दाल बाफले कड़ी तो मैंने बना ली है और बाफले हम बना रहे हैं कंडों पे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। कई लोग जो सिटी में रहते हैं वो शायद ही जानते हैं कि कैसे बनते हैं कंडे। तो यहाँ पर देखो, ये हमने कंडे पर बाफले, मतलब कैसे बनते हैं कंडे नहीं, कैसे बनते हैं बाफले कंडों पर। तो यहाँ पर हमने ये देखो जगरा लगा रखा है, बाफले उबाल लिए थे अंदर और अब हम कंडों पे सेक रहे हैं मम्मी जी और मैं मिलकर। तो मैं यहाँ पर पूरी गांव की दुल्हन बनी हुई हूँ क्योंकि बहुत भयंकर कंडों की आँच लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमको गर्मी कम लग रही है तो हम ताप रहे हैं बैठ के। तो देखो ऐसे दिखते हैं कंडे, मम्मी जी और हम बैठ के सेक रहे हैं। बहुत मजा आता है सब, मतलब है ना, ओवन के जो कंडे होते हैं ना, जो ओवन पे बनाते हैं, बाटी अंदर बनाते हैं, माइक्रोवेव में कई लोग सेक लेते हैं बाफले, इतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे ये लगते हैं। तो गजब का टेस्ट आता है, नेचुरल टेस्ट आता है। अभी आप लोगों को मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी आँच जो है ना बहुत गर्म गर्म लग रही, इसलिए पूरा फेस कवर कर लिया है। इनको है ना बनाते टाइम बस ये ध्यान रखना पड़ता है जल्दी जल्दी पलटना होता है, हाथ भी जलते हैं और मजा आता है। इसको खाने का मजा ही अलग है। हमारे यहाँ पे ना सबको बहुत शौक है, जिस दिन दाल बाफले बनते हैं तो दाल बाफले कड़ी पुलाव कंडे के बाफले, और फिर बाहर बैठ के पत्तलों में खाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कहीं पे हम पार्टी कर रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा, हालत ऐसी हो जाती है। अभी मम्मी जी का भी चेहरा दिखाऊंगी मैं क्योंकि उनकी हालत भी पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं। वो पहली बार आपको कैमरे के सामने दर्शन कराऊंगी मैं मम्मी जी के। ये है हमारे मम्मी जी, हम मिल के बना रहे हैं। इसमें शायद अकेली मैं बनाऊं तो जला दूं सारे, इसलिए हम साथ में ही मिल के बनाते हैं। अधिकतर तो मम्मी जी ये बाफले सेक लेते हैं, मैं अंदर दाल कढ़ी वगैरह पुलाव वगैरह तैयार कर लेती हूँ। दाल कैसे बनाते हैं, इसकी राजस्थानी जो दाल होती है ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। अगर आप चाहेंगे तो आई बटन में दे दूंगी, आप यहाँ पर जाके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। राजस्थानी खाना है ये, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी तरह से एक बार फिर से मसल दिया और फिर इनमें दोबारा इन बाफलों को रख रहे, ऐसे तीन बार इनको हटा हटा के रख रहे ताकि अंदर तक अच्छे से बाफले सीख जाए, कुरकुरे भी हो जाए, नरम भी हो जाए, इनको जैसे सीखना हो वैसे सीख जाए और हम भी अच्छे सीख जाए। ये खाना मोस्टली पार्टी वगैरह करते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है खाने में। कहीं बाहर घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, हम लोग तो जाते रहते हैं, तो वहाँ पर फिर ये मेहनत हम जेंट्स से करवाते हैं। मम्मी जी बाफले सेकते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा, आनंद आ रहा। गर्मी कैसी लग रही है? बहुत कम। हम लोगों को क्या अंदर ज्यादा ठंड लग रही थी, एसी सूट नहीं हो रहा हमको, तो हम बाफले सेकने बाहर आ गए जबकि धूप अच्छी चलचलाती हुई धूप है। सावन के मौसम में चलचलाती धूप में मस्त गोल गोल बाफले सीख गए और हम भी बिल्कुल बाफलों जैसे सीख गए। देखो हमारी शक्लें मस्त हो गई, शक्लों की हालत भी। पर अभी खाने में जब ये घर के जेंट्स कहेंगे वाह 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 तारीफें करेंगे ना, तब हमारी सब ये सिकाई हमारी दूर हो जाएगी। अब इन बाफले लगभग सीख गए हैं, इनको मस्त घी में डुबा डुबा के रखा जाएगा, फिर बनाया जाएगा चूरमा। इन्हीं बाफलों में से चूरमा भी बनाएंगे। तो चलो अब बाद में करते हैं, आगे का बताती हूँ, पूरा खाना जब कंप्लीट हो जाएगा जब बताती हूँ। बाफले हमारे सीख गए हैं पूरी तरीके से, अब मैं अंदर आ गई हूँ चूरमा बनाने के लिए। मम्मी जी वहाँ पर थोड़ा वो जो कंडे वगैरह की राख फैल गई थी उसको साफ़ कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ चूरमा, साथ में बना रही हूँ चाय भी क्योंकि बाहर हमारे कुछ काम चल रहा है मकान का, रिपेयरिंग का, तो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए चाय। कोई उम्मीदवार है चाय का? बी नेचुरल की नेचुरल चाय। ये चाय भी बन रही है, साथ में ये जो बाफले हैं इनको मैं पीस लूँगी, पीस के थोड़ा मिक्सर में बारीक कर लूँगी, गर्म बारीक करने के बाद में, और फिर इसमें घी और शक्कर का पूरा खोपरा मिला देंगे। कई लोगों को गुड़ का चूरमा पसंद होता है, अगर गुड़ का पसंद हो तो गुड़ पीस के डाल दो या फिर गुड़ की थोड़ी सी चाशनी कर लो, और चाशनी करके और ये जो बाफले हैं बाफले का चूरा वो उसमें डाल दो तो चूरमा बन जाता है।
मैं चूरमा प्रिपेयर कर रही हूँ। मजा आने वाला है चूरमा। गर्मी बहुत भयंकर लग रही है, देख सकते होंगे आप हालत मेरी। किचन तो होता ही खत्म हो गया। चलो मैं चूरमा बना लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो खाना पूरा कंप्लीट बन चुका है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ थाली। इसका पहले लगाएंगे भोग, इसका भोग लगाने के बाद में होगा भोजन। तो भोग लगा देते हैं, फिर आपको और दिखाऊंगी। ये है हमारे घर के भगवान जी। हमारे यहाँ नियम है, खाना जब भी बनता है पहली थाली भगवान जी को ही भोग लगाई जाती है। भगवान जी भोजन करेंगे। फिर ये जो भोग लगा हुआ खाना होता है ना, हम ये सारे खाने में मिला देते हैं। इससे कहते हैं कि खाने में बरकत भी होती है और स्वाद भी बढ़ता है, क्योंकि ये भगवान का खाया हुआ प्रसाद है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि हमने कैसे बनाया हमारा आज का खाना। दाल और कढ़ी तो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि जनरली सब बनाना जानते हैं और यूट्यूब पर इतनी सारी रेसिपीज़ हैं कि मैं अलग से क्या बताऊँ। वैसे सब लोग कहते हैं कि मैं दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे, लगभग 50 लाइक आएंगे, तो मैं किस तरह से दाल बनाती हूँ, तुअर की दाल, वो आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँगी। वैसे मैंने आप लोगों के साथ में एक निमाड़ी दाल शेयर करी है, जो कि अगर आप देखना चाहते हैं बहुत टेस्टी लगती है, तो उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल रही है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज का व्लॉग कैसा लगा मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह के ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं यही करूंगी कि आपको जो भी पसंद अगर आ रहा है, आप वीडियोस अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक, जो भी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, करो ज़रूर, ताकि पता तो चले। व्यूज़ बढ़ रहे हैं पर लाइक डिसलाइक कुछ भी नहीं आ रहा है, तो पता कैसे चलेगा मैं कैसे मेहनत करूं। तो थोड़ा सा आप मेरे लिए इतनी सी मेरी मेहनत कर, मेरी हेल्प कर दीजिए। ब्लॉग कैसा लगा, आज का खाना कैसा लगा, मैंने आपको पूरी थाली भी दिखाई, कैसे बनाते हैं हम ये भी बताया, ये मेरा किचन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में हो सका तो मैं आप लोगों के साथ में मेरा हाउस टूर शेयर करूंगी, मेरा पूरा हाउस आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।